StuffListings, welcome to yet another episode of TechStuff. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबाइए और वहां पे ऑल को क्लिक कीजिएगा सो दैट आपको जितने भी लीक्स मैं प्रोवाइड करता हूं आपको इंस्टेंटेनियसली आपके डिवाइस पे जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज फिर स्टार्ट करते हैं Realme के साथ। Realme ने कुछ टाइम पहले अपना Realme C3 बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया था इंडिया में एंड अच्छा खासा बजट स्मार्टफोन है, बट फ्लैश सेल वगैरह के चक्कर में अगर आप इस स्मार्टफोन को मिस आउट करने के लिए टेंशन में है सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। Realme के माधव शेठ ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि 21st ऑफ फरवरी तक आपको Realme 3C स्मार्टफोन ओपन सेल पे देखने को मिलेगा। अब मेरे हिसाब से तो ये Realme का एक अटेम्प्ट है इस स्मार्टफोन को जितना ज्यादा वो सेल कर सकते हैं उसको सेल करने का, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द Realme C3 स्मार्टफोन नाउ माइट बी द राइट टाइम टू डू सो, बिकॉज 21st ऑफ फरवरी तक आपको यू नो फ्लैश सेल्स वगैरह में नहीं बैठना पड़ेगा। आप जिस भी टाइम इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं realme.com से या फिर flipkart.com से। आगे की न्यूज़ बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था Realme X50 Pro 5G वर्सेस iQOO 3 5G, दोनों ही स्मार्टफोन्स बाय द वे अगले हफ्ते हमारे पास आने वाले हैं। सो 58% लोगों ने कहा है Realme X50 Pro 5G might be the better option here एंड 41% लोगों ने कहा है नहीं, iQOO 3 5G जो कि इस कंपनी का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन होने वाला है इंडिया के लिए, दैट इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू पीपल। सो दैट इज द रिजल्ट एज फार एज यू नो यू पीपल आर कंसर्न्ड। So, मुझे भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत मैं इस पोल से एग्री करता हूँ, बिकॉज Realme इज अ रिलेटिवली ओल्डर ब्रांड व्हेन इट कम्स टू यू नो इंडिया। सो iQOO का भी डेब्यू करना है इंडिया में, हो सकता है एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करने में iQOO को थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। नेवर्थलेस आज के पोल का आपके लिए क्वेश्चन ये है, विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू यू विद अ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। Realme X50 Pro जो आने वाला है उसमें भी 64 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड बहुत सारे और स्मार्टफोन है, ऑफकोर्स Poco X2 हैज अ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर। आपको क्या लगता है विच स्मार्टफोन डू यू फील इज द बेस्ट स्मार्टफोन आउट देयर विच हैज अ 64 मेगापिक्सल्स प्राइमरी शूटर? डू लेट अस नो इन द पोल अप अबव। आगे बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। ऑनर 9X स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, ग्लोबल लॉन्च हो चुका है उसका एंड चाइनीज लॉन्च तो बहुत टाइम पहले हुआ था। उसके साथ ही साथ ऑनर 9X प्रो स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी आने वाला है, 25th ऑफ फरवरी को इसका एक यूरोपियन लॉन्च है। साथ ही साथ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इंडिया में भी ये हो सकता है 25th ऑफ फरवरी को ही आ जाए। ये लीक है, एक हिंट है, एक ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, बट आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि 25th ऑफ फरवरी को ऑनर 9X प्रो स्मार्टफोन इंडिया में भी आ सकता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें हमें एक किरिन 810 चिपसेट देखने को मिलेगा। ऑनर 9X प्रो के साथ हो सकता है एक और स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी ऑनर लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम होने वाला है ऑनर 9C। सो अगर आपको याद होगा तो ऑनर 8C करके एक बजट स्मार्टफोन था उसका ये एक सक्सेसर हो सकता है। रिसेंटली ये सर्टिफाई हुआ है EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे या फिर एक यूरेशियन सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, दैट जनरली मीन्स कि एक यूरोपियन लॉन्च तो बहुत जल्दी हमें एक ऑनर 9C की देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं Redmi की तरफ। Redmi 20th ऑफ फरवरी को इंडिया में अपना एक टूथब्रश लॉन्च करने वाला है एंड मनु कुमार जैन ने फाइनली ट्विटर पे इसको कंफर्म कर दिया कि 20th ऑफ फरवरी को आपको ये देखने को मिलेगा। जहां तक Redmi की बात है या Xiaomi की बात है या मी स्मार्टफोन्स की बात है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। आपको एक हिंट दे रहा हूं, मी 10 स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में आ सकता है, बट उससे पहले आपको बहुत सारी एक्सेसरीज हो सकता है Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाए। कुछ टाइम पहले ब्लूटूथ स्पीकर तो लॉन्च हो ही चुका था, अब टूथब्रश आ रहा है, उसके बाद अगले हफ्ते आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक और प्रोडक्ट भी Xiaomi लॉन्च कर सकता है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं Lenovo की तरफ। Lenovo का एक नया स्मार्टफोन Lenovo K11 Power करके NBTC सर्टिफिकेशन पे आ चुका है। NBTC सर्टिफिकेशन थाईलैंड की सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, वहां पे ये स्मार्टफोन आ चुका है। उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी की स्पेसिफिकेशंस उस सर्टिफिकेशन से हमें नहीं क्लियर हो पाई है, बट स्टिल एक बार कोई स्मार्टफोन NBTC सर्टिफिकेशन पे आ जाए तो बाकी सर्टिफिकेशंस जल्दी ही उसको फॉलो करती हैं। सो आने वाले दिनों में हमें Lenovo K11 Power के बारे में बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप स्मार्टफोन जो कि सैमसंग का सेकंड एवर फोल्डेबल स्मार्टफोन है, कल मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। बाय द वे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप कल की टेक्स्टअप भी देख सकते हैं। आज एक नई न्यूज निकल के आ रही है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो रहा है। 20th ऑफ फरवरी को स्मार्टफोन इंडिया में आ जाएगा एंड अगर आप ये सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मे बी दिस माइट बी द राइट मोमेंट फॉर यू पीपल। अगेन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत महंगा है, बट स्टिल अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से इसको कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस स्टिल अचीवेबल है, डूएबल है या फिर बायेबल है, जो मर्जी कह लीजिए आप इसको एटलीस्ट खरीद सकते हैं। 1 लाख के ऊपर नहीं गया तो एक बहुत अच्छी चीज है। 20th ऑफ फरवरी को स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है इंडिया में एंड साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस जो कि सैमसंग के सेकंड एवर ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं वो भी इंडिया में आ चुके हैं। प्री ऑर्डर पे ऑलरेडी जा चुके हैं। samsung.com की जो इंडिया की वेबसाइट है वहां पे आप खरीद सकते हैं। 13,999 रुपए इसका प्राइस रखा गया इंडिया में,
बट अगर आप इनको प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको 2000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स 11,999 रुपए में आप सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस इंडिया में परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 8.42020 करके एक नया टैबलेट है जिसमें हमें मिड रेंज या बजट स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेंगी। गूगल प्ले कंसोल पे ये टैबलेट लिस्ट हो चुका है एंड दैट सडनली मींस कि बहुत जल्दी ये टैबलेट लॉन्च हो सकता है। मुझे कुछ खास इंप्रेसिव इसमें देखने को नहीं मिला। 8.4 इंच की फुल एचडी इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 3GB रैम देखने को मिलेगी, एंड्रॉइड 9 पाई पे ये रन करेगा। अभी भी ये एंड्रॉइड 10 पे नहीं रन कर रहा और मेरे हिसाब से जो टैबलेट्स का इकोसिस्टम है इट्स ग्रेजुअली डाइंग एंड सैमसंग इज स्टिल ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू कीप द टैबलेट्स नीच अलाइव, बट स्टिल टैबलेट्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 8.42020 आर नॉट गोइंग टू हेल्प द केस मेरे हिसाब से। बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप एक टैबलेट बनाना चाहते हैं तो उसको एक मिड रेंज से लेके फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशंस अगर आप नहीं देंगे सो आई डोंट थिंक इट सॉल्व्स एनी पर्पस। 3GB की इसमें हमें रैम देखने को मिलेगी, एक्सिनोस का एक बजट चिपसेट देखने को मिलेगा। सो आई एम सीरियसली नॉट इम्प्रेस्ड। आपको क्या लगता है इस टैबलेट के बारे में? Do let us know in the comment section down below. आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। Realme X50 Pro स्मार्टफोन जो कि इंडिया में 24th of February को लॉन्च हो रहा है, इनवाइट आ गया है, रिव्यू यूनिट आएगी कि नहीं अभी उसकी गारंटी नहीं है, बट स्टिल आई बी देयर अटेंडिंग दैट लॉन्च इवेंट। आपको कवरेज पूरी पूरी मिलती रहेगी स्टफ लिस्टिंग्स के यूट्यूब चैनल पे। बट साथ ही साथ एक और कंफर्मेशन आज होगी कि भी इस स्मार्टफोन में भी हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा के साथ 3 और कैमराज होंगे, तो यूजुअल जो हमारा रियलमी का अलाइनमेंट होता है 4 कैमराज होते हैं टॉप लेफ्ट साइड पे, वही हमें रियलमी X50 प्रो स्मार्टफोन के साथ भी देखने को मिलेंगे। कोई ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है डिजाइन लैंग्वेज में, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक द रियलमी X50 स्मार्टफोन और फॉर दैट मैटर इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द रियलमी XT स्मार्टफोन और द X2 स्मार्टफोन। सो डिजाइन की बात की जाए तो कोई रेडिकल चेंजेस हमें नहीं देखने को मिले रियलमी X50 प्रो स्मार्टफोन में, बट स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो हमें एक अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट होगा, 12GB की LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी, 256GB की हमें स्टोरेज देखने को मिलेगी, एंड एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड इन सब चीजों को टॉप किया जाए तो Realme X50 Pro स्मार्टफोन इंडिया का फर्स्ट एवर 5G स्मार्टफोन होगा। चाहिए या नहीं चाहिए वो बात की बात है, पहला 5G स्मार्टफोन Realme X50 Pro स्मार्टफोन होने वाला है। एंड 5G की जहां तक बात की जाए तो जैसा कि आपने पोल में देख ही लिया है, पीपल आर स्टिल बिलीविंग इन द Realme इकोसिस्टम। सो आई होप कि Realme X50 Pro अच्छा परफॉर्म करे। जैसे ही मेरे पास स्मार्टफोन आता है आपको रिव्यू करके डेफिनेटली मैं बता दूंगा। साथ ही साथ Realme Link जिसका ट्रेडमार्क कुछ टाइम पहले Realme ने फाइल किया था, मैंने आपको बताया था ट्विटर पे कि भाई Realme Link करके एक चीज है जो हो सकता है Realme के जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं लिंक हो, एंड फाइनली दैट इज द केस। Realme ने फाइनली Realme Link ऐप को लॉन्च कर दिया है और आने वाले जितने भी Realme के स्मार्टफोन्स हैं उनमें हमें Realme लिंक करके जो ऐप होगी वो बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगी। व्हाट इट डज इज इट सर्व्स एज अ लिंक टू ऑल योर IoT डिवाइसेस। जितने भी Realme के अपकमिंग IoT डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हो गई, फिटनेस बैंड हो गया, या कोई भी चीज Realme लॉन्च करने वाली है स्मार्टफोन्स के अलावा, उन सबको आप अपने स्मार्टफोन से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Realme लिंक पर रिलाई करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से Realme X50 Pro माइट बी द फर्स्ट स्मार्टफोन जिसमें आपको Realme लिंक करके जो ऐप होगी प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगी। वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सैनदीप कह रहे हैं, ब्रो द कंपनीज आर लिटरली फोर्स्ड टू इंक्लूड 5G विद देयर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स इफ दे यूज द स्नैपड्रैगन 865 एज इट हैज नो इनबिल्ट मॉडम इन द एसोसिएट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड मॉडम व्हिच इज द स्नैपड्रैगन X55 बिल्ट इन। सो इट्स एक्चुअली क्वालकॉम दैट इज शोविंग 5G ऑन आवर थ्रोट्स। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, आपसे एग्री करता हूँ। यस टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग कह देते हैं कि भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 भी चाहिए बट 4G में चाहिए, विच प्रोबेबली इज नॉट द केस। सो यस आई टोटली एग्री विद यू, क्वालकॉम ने ही हमसे हम पे 5G जो है शव किया है। बट स्टिल मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता कि इसको यू नो क्वालकॉम की गलती है इसमें। अपकमिंग टेक्नोलॉजी 5G होने वाली है, क्वालकॉम ये देख के नहीं अपने चिपसेट मैन्युफैक्चर करता कि इंडिया में अभी तक 5G नहीं आया या किसी पर्टिकुलर कंट्री में अभी 5G नहीं आया। उनको आगे ग्रो करना है, वो 5G छोड़ो वो 6G भी अभी अगर बनाएंगे तो वे उनका काम है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज द लॉ ऑफ नेचर, सो आई डोंट थिंक एनीवन इज एट यू नो फॉल्ट हियर। ना तो कस्टमर्स गलत कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हो हमें 5G चाहिए नहीं, आप 5G दे रहे हो। कंपनीज कह रही है कि अगर आप 5G आपको नहीं भी चाहिए बट स्टिल अगर हम फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हमने यूज करना है तो हमें 5G आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और क्वालकॉम तो बनाएगा बनाएगा। सो इट्स अ सर्कल, द बेस्ट वे आउट हेयर इज यू नो टू मेंटेन सम बाउंड्रीज। हमारी बाउंड्री होनी चाहिए कि हमारा बजट क्या है। सो अगर आप यू नो 1,00,000 रुपये खर्च सकते हैं किसी स्मार्टफोन में तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर उसमें 5G है तो आप 5G लीजिए, बिकॉज ऑफकोर्स
एक फ्यूचर प्रूफ डिवाइस की भी बात होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्मार्टफोन में यू नो फ्यूचर तक कितने अपडेट्स आएंगे, 2 अपडेट आएंगे 3 अपडेट आएंगे। सो अगर आप एक स्मार्टफोन को अगले 3-4 साल के लिए परचेज करना चाहते हैं, सो इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ 5G डिवाइस इज द बेटर ऑप्शन, बिकॉज यू नेवर नो, इंडिया में रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाते हैं। हो सकता है 2-3 महीने में आपको इंडिया में 5G देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 साल में देखने को मिले। सो अनप्रिडिक्टेबल जहाँ पे सिनेरियो है उसमें हमेशा सेफ साइड पे रहना इज द बेटर ऑप्शन। सो मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर आप ऐसा खर्च सकते हैं तो एक 5G डिवाइस पे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यमिक्स या वाईमिक्स चैनल, इन्होंने कमेंट किया, आई लव योर स्टफ, थैंक्स अ लॉट, आई जस्ट होप यू यूज इंग्लिश लैंग्वेज मोर सो आई कुड अंडरस्टैंड। आई एम रियली सॉरी ब्रदर, द थिंग इज मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस here wants me to talk in Hindi or communicate in Hindi, and that's the reason as to why we do that in Hindi. But still, again, as the channel keeps on growing, probably we'll shoot 2 videos in a day, and usme aapko dono alag alag languages mein main aapko content provide kar sakta hu, or maybe in 2 different languages I provide you the same content. As of now, I don't think it will make any sense to shoot the same leaks or the same news 2 times, because again our viewer count is very low. We get around 1,000 to 1,200 hits a day, so unnecessarily we don't want to, you know, keep on shooting videos. In the future we'll definitely keep that in mind. Mix Studio आगे कह रहे हैं, 3-4 दिन के अंदर आपके 5K subscribers हो जाएंगे, and Huawei was the first phone to launch 4G smartphones in India, and yes, maybe मैं इसके बारे में comment नहीं करूँगा because बहुत सारे लोगों ने same answer दिया है, so congratulations to all of you, आप में से एक lucky winner को मैं giveaway definitely देने वाला हूँ future में, and जहाँ तक बात है 3-4 दिनों के अंदर 5K subscribers के होने की, please it's a request to all of you, if possible हमारी video को जितना share कर सकते हैं आप share कीजिए अपने friends में, ask them to subscribe to our channel, because आपको रोज रोज नए लीक्स तो मिलते ही रहते हैं, नई न्यूज भी आती रहती है, एंड नया कंटेंट भी आपके पास आने वाला है बहुत जल्दी ही। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव इट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।